राह में बितल हमर जिंदगी के साथ घटल एकटा आत्मकथा अछि जे अहाँ सबके सुनेबाक हम प्रयास केने छी। मन थामि कऽ सुनब हृदय अपन मानस पटल अपन जिंदगी आ खुद अपने आप के संभाल कऽ आइ हमर अतीत के आत्मकथा सुनब। कखनो काल डर लगैया कहीं ई हमर कहानी सुन कऽ आओ सब कहीं टूट कऽ त नहि बिखर जाब, मुदा नहि ई नहि भऽ सकैया। बस कहैत अछि ने जे दुख बाँटला सँ कम होइत अछि सुख बाँटला सँ बढ़ैत अछि। तैं हेतु ई रेडियो सुन रहल सम्पूर्ण साथी संगी सँ हमरा एकटा आग्रह अछि, ई हमर दर्दनायक कहानी के एकटा छोट सिन कहानी समझि कऽ सुनबाक प्रयास करब। अहाँ सबके लेल तऽ कहानी बनि सकैत अछि, मुदा हमरा लेल हमर जिंदगीक साथ कटल ई अतीत के यथार्थ कहानी अछि जे हम आइ अहाँ सबके सुना रहल छी। हमर नाम पूनम अछि, हमर जन्म विक्रम संवत 2048 साल 4 महीना 16 गते हरकटवा सरलाही में भेल छल। हम एकटा गरीब परिवार के बेटी छलौ। हमर मम्मी पापा आ हमरा सा जेठ एकटा भैया आ हम यानी कि 4 गोटे के हमरा सबक ओ परिवार छल। मम्मी पापा खेती किसानी करे छलखिन। हम गामे के सरकारी स्कूल से SLC पास केलौं। ऐसा आगा पढ़वाक हमरा सबक घर परिवार के अवस्था नहीं छल। तहतु विक्रम संवत 2066 साल में हमर मम्मी पापा सब हमर शादी कर दिलखिन। अंततः हमर जिंदगी शुरुआत एकटा दाम्पत्य जिंदगी से भेल। शुरू में हमरा घर व्यवहार हम किस ने जाने छलौं किस ने बुझे छलौं। धीरे धीरे सब किस सीख रहल छलौं। अपन पति के प्यार अपन साजन के प्यार की होत अछि हम सब किस सीख रहल छलौं। कहियो काल हमरा सबक बीच वाद विवाद सेहो भ जाय छल। हम सोचे छलौं शायद अहिना चलैत अछि एकटा जिंदगी के नया हरेक आरोह अवरोह सुख दुख के संग जिंदगी जीवी टापरैत अछि, मुदा कहियो काल अफसोच लगे छल जे आखिर हमर पति अछि जे हमर साजन अछि जे हमर प्राण प्रिय छथिन आखिर ओ हमरा क्या कैरा सब व्यवहार कर रहल छथिन। हमर आखिर हाथक चूड़ी मांगक सिंदूर छै तो हमर जिंदगी छै हमर खुशी छै। अपना सबक संस्कृति में पति के साक्षात्कार भगवान के रूप में मानल जाते अछि। हाँ हम अपन पति के साक्षात्कार भगवान के रूप में माने छलौं, मुदा हम जेहन व्यवहार करे छलौं वही के ठीक उल्टा हुनकर व्यवहार पवे छलौं। कहियो काल हम बहुत कने छलौं बहुत तरसे छलौं बहुत तड़पे छलौं जे आखिर हमर साजन हमरा से क्या कर उठल छै आखिर क्या कर उठल छै। जिंदगी जीवित जीवित हम अतबे छोट अवधि में थाक गेलौं अपने आप के जिंदगी से हार गेलौं। आखिर हम देखने छलौं शादी पश्चात सबकी सुखी खुशी संपन्न जिंदगी बीतेत अछि, मुदा हमरा लेल इस सब किस एकटा सपना में मात्र सीमित बनित जा रहल छल। यथार्थ की अछि हकीकत बात की अछि से हम बुझि नहि पेलहुँ। फिर भी हर सुख हर दुख हर पीड़ा हम हुनकर सहित गेलहुँ। आखिर असल नारी के याद चरित्र होइत अछि जे अपन हरेक दर्द हरेक दुख के नुका कऽ दुनिया गाम समाज के लेल सही हासा पड़ैत अछि। हृदय में लाखों करोड़ों जख्म दुख पीड़ा हेतु हे भी सबके छुपावा पड़ैत अछि सबके छुपावा पड़ैत अछि। हाँ अहिरासा हर बात के छुपा कऽ हम जिंदगी पथ पर आगा बढ़ रहल छलौ, मुदा कहल जाइत अछि जे हकीकत यथार्थ बात दुनिया के सामने आबिए टा जाइत अछि। हमरा यथार्थ बात से पता चलय लागल जे आखिर हमर पति हमर साजन हमरा से कियाक अहिरासा व्यवहार कर रहल छथिन। यथार्थ बात दुनिया के सामने पर्दा फाश होबय लागल
धीरे धीरे इस सब बात हमू बुझ लगलो। यथार्थ बात यह छल जे हमरा सबक शादी से पहिने ही हमर साजन किनको और के चाहे छलखिन, किनको और के अपना बनावा चाहे छलखिन, मुदा हुनकर घर परिवार व रिश्ता के स्वीकार नहीं केलाक बाद जबरदस्ती हमरा संग शादी कर देने छलखिन। ते हेतु अखनो ओ हमरा नहीं अपनावा चाहे छथि आ वही लड़की के संग नया जिंदगी शुरुआत करा चाहे छथि। ते हेतु हमरा संग अहिरा सो व्यवहार कर रहल छथि। हम हुनका बेर बेर मनावा के प्रयास केलौ, हुनका खातिर अपन जिंदगी समर्पण केलौ, हुनकर पैर पड़लौ आ अनुनय विनय केलौ। साजन हमर पति हमर भगवान सब किस अही छी, आप जे किस भेल भूल जाओ बिसेर जाओ, आप हम आहा के जीवन संगिनी बन चुकल छी, हमरा नहीं ठकराओ। देखो आहा ते किनको और के संग शादी कर लेब, किनको और के संग नया जिंदगी शुरुआत कर लेब, मुदा एक बेर हमरो जगह पर रही कहा सोचू विचार करू, हमरो जिंदगी के बारे में सोचू, आखिर हम आहा के धर्म पत्नी छी, पत्नी छी हम आहा के, हमरो हक बनेते आहा प्रति आ अहो के पूर्णता हक बनेते हमरा प्रति। ते हेतु आब हमरा छोड़ हुनकर व्यवहार हुनकर बोली वचन हुनकर हर चीज हर गम हम सहित गेलौ। ओ बेर बेर हमरा मानसिक शारीरिक यातना दे छलखिन, मुदा हम सब किस एकटा भगवान के देल गेल उपहार समझ कर हृदय से लगा कर हम सब किस सहित गेलौ सहित गेलौ। हुनकर हर गम हर तकलीफ के एकटा खुशी के उपहार समझ कर दिल से लगावित गेलौ। हुनका अपना बनाबा के आखिरी ख्वाहिश हुनके संग जीवन मरण के आखिरी ख्वाहिश संग हम जिंदगी जी रहल छलौ। हुनकर हर व्यवहार हमरा स्वीकार्य सर, ते हेतु दुख दर्द तकलीफ सब सहित गेलौ। अहिरासा हमरा सबक शादी भेलाक डेढ़ साल के बाद हम बेटा के जन्म देलौ। हमरा लागल जे हमरा लेल नहीं सही, आब ओ अपन बेटा के लेल सही हमरा माया स्नेह प्रेम देथिन, हमरा आब तेहन व्यवहार नहीं करथिन कह कर 6 मास तक तक किछ नहीं कहलखिन। बाद में पुनः हुनकर व्याह पुराना व्यवहार सब दोहराबा लगलखिन। हमर दिल हमर जिंदगी हमर खुशी आखिर की एस जे हम खुद महसूस नहीं कर सकलौ। हुनकर अहिरा सा व्यवहार सा हम आ हमर जिंदगी टूट कर बिखेर रहल छल, मुदा हुनका सबक कोनो सहानुभूति नहीं छल। एक तरफ हमर घर के आर्थिक अवस्था कमजोर भेला कारण हमर मम्मी पापा घर परिवार एकेटा बात कहे छलखिन, जब जे किस भेल आहा के वही घर में रह के वही घर में अपन जिंदगी जीव के आखिर जीव के तो वही घर में आ मर के तो बस वही घर में। ते हेतु हम घर छोड़बा से हो कहियो कल्पना तक नहीं कह सके छलो, हरेक सुख दुख में वही घर में रहबाक प्रयास केने छलो। कहल जाते जे प्रेम सा पत्थर के सेहो पिघल देते, मुदा हम हुनका प्रति अतेक प्रेम केलौ अतेक स्नेह देलौ जे आखिर हुनकर कठोर हृदय पत्थरों से बैठ कर छल जे हम हुनकर हृदय के पिघल नहीं सकलौ, हुनकर मन के हम बदल नहीं सकलौ, हुनकर जिंदगी के हम खुद अपने आप के समर्पण कराबा में विफल भ गेलौ। आखिर अहिरा से बेर बेर हमरा शारीरिक आ मानसिक यातना होते हुए भी हम हुनकर हर दुख हर सुख में साथ दे छलौ, हर एक पल हुनके लेल नया जिंदगी परिकल्पना करे छलौ, मुदा हमरा लेल इस सब किस व्यर्थ छल। किस दिन के बाद ओ घर छोड़ कर बाहर जेबाक निर्णय कर लेलखिन। हम हुनका बहुत अनुनय विनय केलौ, मुदा ओ मान के लेल तैयार नहीं भेलखिन। हम कहलौ हमरा लेल नहीं सही, मुदा देखू अ बेटा के चेहरा देखू, अ चेहरा में
आँख चेहरा नजर नहीं अभी तेस आखिर की आँख हमरा छोड़बाक अहाँ प्रयास करल छी। हम अहाँ से अलग भक नहीं रह सके छी, नहीं जी सके छी। अतेक कई तो